अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाप दादा ने कहा, धर्म और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में धर्म वाले अलग और कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, सिर्फ कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो हैं ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हो। वैसे तो कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन इस संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, इसलिए तो इसको विशेष युग कहा जाता। बाबा ने कहा, जो बच्चे इस बात के कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं, वही इस संगम युग के कंबाइंड रूप का, अर्थात बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप का अनुभव कर सकते हैं, और फिर वही भविष्य प्रारब्ध का भी, अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कंबाइंड रूप का भी अनुभव कर सकेंगे। धर्म का अर्थ ही है दिव्य गुणों की धारणा करना और याद स्वरूप की धारणा करना। इसलिए हर कर्म में धर्म का रस जरूर भरना चाहिए। यदि कर्म के साथ धर्म कंबाइंड नहीं होगा, यानी धारणा युक्त कर्म नहीं करेंगे, योग युक्त कर्म नहीं होगा, तो वह कर्म साधारण होकर रह जाएगा। तो चेक करते रहो कि धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि धर्म को किनारे कर कर्म करते जा रहे, या धर्म के समय कर्म को किनारे कर देते, फिर तो तुम्हारा भी निवृत्ति मार्ग हो जाएगा। तुम्हारा तो वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। अगर अभी से एक कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी ये अनुभव कैसे कर सकेंगे। तो आज से हर कर्म करते चेक करो कि धर्म और कर्म साथ साथ चल रहा है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।